तू बैठ के देख मैच जरा। अबे भाई मैं अभी डांसर फर्स्ट टाइम काफी रेड करते हुए खिलाड़ी धौलपुर के खिलाड़ी रेड करते हुए धौलपुर के लीडर के द्वारा पहली रेड बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी कोशिश के द्वारा रेड करते हुए धौलपुर के खेमे में बहुत ही अच्छी कोशिश की थी रेडर पर नाकामयाब रहे। अरे भाव ने भाव को बोल दे घर में हूँ ना घर में हूँ ना चालू कर दे मैं बता रहा हूँ जब मार बोल रहा है अभी अभी गणेश वो अकेले मारे रहो हाल में छेद कर ले उसने बहुत ही अच्छी रेड कपूर के रेड टीम के द्वारा और एक पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल की कपूर खेड़ा के रेडर बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। राहुल भाई क्या है घूमने से राहुल भाई को अरे भाई सच में देखा इसको नहीं अरे बहुत ही अच्छा प्रयास धौलपुर के प्लेयरों के द्वारा और एक पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल की बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। कौन बहुत ही बढ़िया रेड कपूर खेड़ा के मैदान में धौलपुर के रेडर के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास पॉइंट लेने की बहुत ही जबरदस्त कोशिश पर पॉइंट लेने में नाकामयाब रहे। तुम बने लेने पानी बाबा जा मैं तो ना मैं तो आ जाता कपूर के नंबर वन के रेडर द्वारा रेड सारे के सारा समझते हैं हमारे धौलपुर के रेडर रेड करते बहुत ही अच्छा प्रयास किया था बचने के लिए लेकिन शायद कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और एक पॉइंट गवाकर अपने टीम का नुकसान और कपूर खेड़ा की टीम ने एक पॉइंट हासिल कर कामयाबी हासिल की। क्या लगता है सतीश भैया कि दोनों टीमों में जो अनुभव है जो खिलाड़ियों का हौसला है
वो काम बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दोनों ही टीमें नहले पे तैला है, जो भी दोनों भी टीमें एक दूसरे से कम नहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी टीमों को जिताने के लिए अपना अपना जोर लगा रही है। और ये बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया कैच, और ये बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा धौलपुर की टीम को। एक पॉइंट गवा चुकी है जी जी, और हर एक एक कदम बढ़ाते हुए कपूरथला की टीम अपनी जीत की मंजिल की ओर, अपनी जीत की मंजिल हासिल की करने की कोशिश क्या लगता जारी है। क्या लगता है पांच नंबर का खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कुछ अंक हासिल कर पाएगा? हाँ शायद, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं जी, लेकिन शायद अगर कोशिश अगर अच्छी रही तो अपने टीम के लिए एक पॉइंट तो हासिल पर नहीं कर पाए, उनकी कोशिश विफल रही शायद। यह दो नंबर के प्लेयर रेड करते हुए मैं पर खाली हाथ लौटना पड़ा। कपूर खड़े के रेडर के द्वारा क्या अपनी टीम के लिए पॉइंट ले जा पाएंगे? शायद देखना है कि दो नंबर के खिलाड़ी रेड कर रहे हैं और इधर भी दो प्लेयर हैं, देखिए किसका पल्ला पहाड़ी और किसका जोर चलता है इस मैदान में। ये तो खेल है, कब किसका रुख बदल जाए कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। हाँ। और दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत ही अनुभवी, बहुत ही बढ़िया, दोनों ही अनुभवी टीम है, दोनों ही टीम एक दूसरे से कम नहीं। ये पांच नंबर के रीडर बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन दो तीन पॉइंट लेने में कामयाब हासिल की, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। और कपूर खेड़ा की टीम जीत के ओर कदम बढ़ा चुकी है, शायद ऐसे ही रहा तो जीत उनके लिए काफी कोई दूर कोई मुश्किल नहीं है। नहीं सतीश भैया, पल्ला कभी भी पलट सकता है। हाँ कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, कब पलट जाए, कब बाजी पलट जाए कोई कह नहीं सकते। कोई पहले दिखा देता है तो कोई लास्ट में दिखा देता है, और जिसका समय जहाँ होता है वही जीत जाता है। हाँ कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और कुछ और खाने के और कुछ होते हैं। कुछ बड़ी बड़ी टीमें क्या करती है कि अपने हुनर दिखाने के लिए हार की भी और कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही देखने को मिला। जब सेकंड राउंड आता है तब अपनी कला दिखाते हैं। बिल्कुल, सभी जीत हासिल करके सभी दर्शक लोगों के, कोई खेलते हैं कोई खिलाते हैं, कोई खेलते हैं कोई खिलाते हैं, अंत में समय जब आता है, जब करने की आवश्यकता नहीं है कि समय कब बदल जाए, आपकी कोशिश कब रंग ला दे कोई गारंटी नहीं है, और हारी हुई बाजी को जीत में कैसे बदल दे ये तो आपकी मेहनत आपकी लगन और आपकी कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ही बढ़िया क्या है धौलपुर की टीम के द्वारा, और एक पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल की, और कई बार देखा गया इंडिया की टीम ने बहुत ही बढ़िया कैच। सभी लोग अलर्ट रहे भैया, लाइनमैन अलर्ट रहे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सभी टीम बराबर है, खेल की भावना से खेल होगा। बहुत बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा कपूर। अदरक घगरी छनकत जाए एक कहावत है, यदि अनुभव की यदि कमी है तो वो छलकता है, अदरक घगरी छलकत जाए। सभी अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत सूझबूझ से खेल को खेलते हैं। बहुत बढ़िया रेड, पूरे धौलपुर के छह नंबर के खिलाड़ी द्वारा रेड कपूर खेड़ा के खेमे में।
खाली हाथ वापस होना पड़ा धौलपुर के रेडर को। उन्हें हमारे सात नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए रेड डालते हुए और ये सूज और बूझ से रेड करते हुए हमारे सात नंबर के खिलाड़ी बहुत सुंदर सुंदर था हमारे रेडर के द्वारा दो अंक अर्जित करते हुए। बहुत ही अच्छा प्रयास सुंदर सा कैच बहुत ही अच्छी कोशिश रही और एक पॉइंट लेने में कामयाब हासिल की कपूरथला की टीम। बढ़त पे बढ़त बनाती हुई कपूरथला की टीम अनुभवी टीम है दोनों। देखते हैं अंत में पल्ला किसका किसका भारी होता है जो खिलाड़ी के सूझबूझ पर निर्भर करता है अनुभव पर निर्भर करता है। वर्तमान में तो कपूरथला का पल्ला भारी नजर आ रहा है सतीश भैया और ये छह नंबर के रेडर बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है भाई आपको कि है अपने पॉइंट लेने में कामयाब हो सकते हैं सतीश भैया सूझबूझ से बहुत ही अच्छा जो प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब रहे और एक पॉइंट गवा कर अपने मैदान की ओर लौट पर वापिस। समय कब किसका बलवान हो जाए इस समय की बात होती है। हर एक ही कदम हाँ जीत की मंजिल की ओर बढ़ाते हुए कपूरथला की टीम शायद दोनों टीम प्रयास करते हैं। हाँ दोनों ही अपनी अपनी टीम को जिताने की भरपूर पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। अब देखते हैं समय बताएगा कि कौन जीत की मंजिल को हासिल कर पाता है। प्रयास तो दोनों ही टीमें बहुत अच्छी कर रही हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा। अरे बहुत ही अच्छा सुपर रेड बहुत ही अच्छा रेड बहुत ही अच्छा कैच लेकिन ना प्रयास तो बहुत अच्छा करा कपूरथला के द्वारा सात नंबर का खिलाड़ी रेड करते हुए धौलपुर के खेमे में। एक अंक लेकर वापसी धौलपुर का पांच नंबर का खिलाड़ी रेड करते हुए कपूरथला के खेमे में। देखिए पांच नंबर का खिलाड़ी अपनी टीम के लिए क्या करके वापसी होते हैं बटना कामयाब मुंडी बाला ये मुंडी मार रहा हूं। सतीश भैया धौलपुर के खिलाड़ी टीम के लिए सफर थोड़ा लंबा सा होते नजर आ रहा है। हाँ उनका जीत का सफर थोड़ा लंबा है उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत मशक्कत करने की आवश्यकता है अपनी जीत अपने टीम को जीत हासिल दिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ही सूझबूझ से खेलने की आवश्यकता है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया था बहुत ही अच्छा प्रयास। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा धौलपुर की टीम के रेडर के द्वारा और तीन पॉइंट लेने में कामयाब रहे। बहुत अच्छी रेड अपने टीम के लिए बढ़िया योगदान रहा। जल्दी छोड़ दो इन्हें
बहुत ही बढ़िया किया और ये छोटी सी गलती बड़ा नुकसान भरना पड़ा धौलपुर की टीम को और कपूरखेड़ा की टीम ने पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल की क्योंकि समय का अभाव कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। क्योंकि जीत की मंजिल का सफर बहुत लंबा है बहुत ही अच्छा प्रयास बहुत ही अच्छा सुपर रेड बढ़िया रेड रहा बहुत ही अच्छी डाई मारी अनेक बहुत खिलाड़ी की खूबी सामने नजर आई जाती है। हाँ अनुभवी खिलाड़ी की एक अपनी ही एक पहचान होती है। बहुत ही बढ़िया कैच धौलपुर की टीम के द्वारा और एक टाइम एक पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल बहुत ही बढ़िया चार सोना पारी। ये दोनों ही टीम अपनी टीम को लेकर तैयार है। क्योंकि 2.5 मिनट शेष है एक पॉइंट लेने में सफल कपूर के रेडर 5 नंबर के रेडर रेड करते हुए धौलपुर के रेडर है अनुभवी रेडर है खिलाड़ी है बहुत ही अच्छा प्रयास रहा बहुत ही अच्छा प्रयास धौलपुर की रेडर के द्वारा एक मिनट से एक अंक अर्जित कर अपने खेल में वापस हमारे 2 नंबर के खिलाड़ी